बटन से जल गया, ऑफ हो गया। सेकंड बटन से जल गया, ऑफ हो गया। थर्ड बटन से जल गया, ऑफ हो गया। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक बल्ब को हम तीन ट्यूबवे स्विच से कैसे कंट्रोल करें। ये कनेक्शन हमें फील्ड में बहुत जरूरत पड़ जाती है। चलिए गाइस, बिना देरी के हम कनेक्शन चालू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे तीन स्विच है, तीनों स्विच ट्यूबवे स्विच है, और हम इसे कनेक्शन चालू करते हैं। चालू करने के लिए हम इसको सारे ऊपर वाले पॉइंट लूप कर देंगे। चलिए गाइस, हम लूपिंग चालू करते हैं इसकी। एक हम ऐसे वायर ले लेंगे टूटा, इसको यहाँ लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद हेलो गाइस, जैसे आप हमने ये ऊपर वाला तीनों स्विच लूप कर दिया, ऐसे ही हम ये बीच वाले सेंटर को भी लूप कर देंगे आपस में। चलिए गाइस, हम इसको लूप करते हैं इसके। ऑलमोस्ट हमारा ये वायरिंग हो चुकी है। ये हमने सेंट्रल तीनों लूप कर दिए, ऊपर लूप कर दिए। अब आ रही है होल्डर के, होल्डर कनेक्शन की। होल्डर कनेक्शन के लिए हम जो फेस की वायर है उसको हम इस सिरे पे लगाएंगे। वायरिंग समझ चुके हो, ऊपर वाले सारे इकट्ठे लूप कर देने, सेंटर वाले सारे लूप कर देने, और हमने होल्डर की वायर फेस ऊपर वाले में लगा दिया है। अब न्यूट्रल है, अब हम यहाँ से मेन लेंगे इसकी। ये मेन न्यूट्रल है कि हमारी, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। न्यूट्रल हमने टेप कर दी इसकी, और जो हमारी लाइन होगी मेन की उसके लगाना इस सेंटर में। हाँ, इस सेंटर में, यहाँ पर। फिर इसको हम यहाँ से कर देंगे। सेफ्टी ध्यान रखना जी, फर्स्ट सेफ, पहले सेफ्टी है फिर काम है। कोई वर्क हो हमारा, फर्स्ट सेफ्टी है। जैसे सर आप देख सकते हो जी, हमारे ऑलमोस्ट कनेक्शन हो चुका है। होल्डर कनेक्शन भी हो गया है और इसका भी कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको इसमें होल्डर बल्ब लगा दें। ये देखिए, बल्ब लगा दिया हमने। अब इसको हम ऐसे पलट देते हैं। चलिए गाइस, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये हमने करा है एक बल्ब को तीन स्विच से कंट्रोल करने का काम, हमने वायरिंग करी है। अब हम इसे हम टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट बटन से जल गया, ऑफ हो गया। सेकंड बटन से जल गया, ऑफ हो गया। थर्ड बटन से जल गया, ऑफ हो गया। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ऐसे नवी नवी वायरिंग सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।